हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टेक जड़िया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कोरल ड्रा में फोटो को ब्लर कैसे करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो सबसे पहले आपको करना क्या, आपको एक बॉक्स लेना है, बॉक्स को फिल कर लेना है। जैसे कि बैनर या पोस्टर में आप कोई बॉक्स लेते हैं, उस तरह से आपको इसको फिल कर लेना है। उसके बाद आप इम्पोर्ट में जाएंगे। इम्पोर्ट में जाने के बाद जो है आप जो है फ़ोटो जो है उस फ़ोटो को आप यहाँ पर लेकर आएंगे। तो जैसे कि मैं दो फ़ोटो लेकर आता हूँ यहाँ पर, और इस तरह से इसको यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों मेरी वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये दोनों फ़ोटो मैं ले आया हूँ, और फ़ोटो लाने के बाद आप इसको करना क्या है, आपको इसको पावर क्लिप वाले ऑप्शन से जो है इसके बॉक्स के अंदर जो है फ़ोटो को ले जाना है। क्योंकि जब आप बैनर या पोस्टर बनाते हैं तो बॉक्स के अंदर ही फ़ोटो को ले जाते हैं। इस तरह से इसको यहाँ पे साइड में लगा लेंगे, और दूसरी वाली फ़ोटो को भी जो है हम पावर क्लिप वाले ऑप्शन से जो है उसको भी जो है पावर क्लिप वाले ऑप्शन से उसको भी इस बॉक्स के अंदर ले जाएंगे और यहाँ पे लगा लेंगे इस तरह से। अब गाइस आपको करना क्या है कि आपको ब्लर करना है फ़ोटो को, तो कैसे करना है, जैसे नीचे से हमें करना है, नीचे से जैसे हमें ब्लर करना है फ़ोटो को, मिक्स करना है इस बॉक्स के अंदर। तो आपको ये इस टूल में आप जाएंगे इंटरेक्टिव टूल्स में, और यहाँ पे सबसे लास्ट वाला ऑप्शन जो है इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल जो है इसको यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद जो है आप करना क्या, आप फ़ोटो के ऊपर इसको इस तरह से नीचे लेकर आएंगे, सिलेक्ट करके इसको नीचे लेकर आएंगे। अब ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए नीचे से ये ब्लर हो गया, और इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देंगे और नीचे से इस क्वेश्चन को ऊपर फ़ोटो के बढ़ाएंगे तो ये नीचे से ब्लर हो गया। अब गाइस इसी तरह से आपको दूसरा वाला जो फ़ोटो है इसको भी इसी ऑप्शन से जो है इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल को जो है सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे इसको भी लेकर आएंगे इस तरह से सिलेक्ट करके नीचे लेकर आएंगे, और ये इस तरह से आपका ये फ़ोटो ब्लर हो जाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसमें जिस तरफ से आप घुमाएंगे उसी तरफ ये ब्लर होगा। अगर ऊपर करेंगे तो ऊपर ब्लर हो जाएगा, साइड में करेंगे तो साइड में हो जाएगा, इस तरह से ये ब्लर होगा। तो जहाँ से आपको ब्लर करना है वहाँ से आप ब्लर कर लीजिए और फ़ोटो को मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पर इसको हम और थोड़ा ऊपर कर देंगे, चढ़ा देंगे इस तरह से, और ये फ़ोटो आपका ब्लर होगा। ये देखिए आपका फ़ोटो जो है इस बॉक्स के अंदर एकदम मिल गया, मैच कर गया। अब इस तरह से जो है आप थोड़ा सा अगर और आपको ब्लर करना है ऊपर तो आप इसको और ब्लर कर सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पे जो है इसको भी इस तरह से और थोड़ा ऊपर कर लें, और इसको यहाँ पे इस तरह से ब्लर कर लें। तो गाइस फ़ोटो को कोरल ड्रा में इसी तरह से ब्लर करते हैं। ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को ये ज़रूर मुझे बताइएगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए, ये जैसे आप बैनर बना रहे हैं तो फ़ोटो नीचे से ब्लर हो गई, बैकग्राउंड आप कुछ भी कर सकते हैं। अब नीचे जैसे आप एड्रेस लिखेंगे तो फ़ोटो ब्लर हो गए, आप एड्रेस आसानी से लिख सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो कोरल ड्रा में इसी तरह से फ़ोटो को ब्लर करते हैं। अब आप नीचे इसमें जो है एड्रेस लिखना चाहें तो एड्रेस लिख सकते हैं, और मैटर बनाना चाहें तो मैटर बना सकते हैं। मैं एड्रेस वाली लाइन जैसे लिखते हैं मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लिखा जाता है, आपको लिख के बता रहा हूँ। इसमें मैं अपने चैनल का ही नाम लिखूंगा, आप उसमें एड्रेस कैसे लिखते हैं इस तरह से नीचे लिख के अगर लगाएंगे तो इसी तरह से लगाते हैं इसके ऊपर। ये देखिए यहाँ पे मैंने अपना चैनल का नाम लिख दिया यहाँ पे, टेक जलिया चैनल में आपका स्वागत वेलकम है। तो दोस्तों इस तरह से आप इसमें एड्रेस वाली लाइन लिख सकते हैं, और इसके अलावा जो है आप जो है ऊपर भी जो मैटर लिखना है ऊपर आप मैटर लिख सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और आगे किस तरह की वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे बताएं ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूं। और दोस्तों आपसे एक गुजारिश और है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इस तरह का वीडियो आगे भी देख सकें। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और आपके लिए भी, ताकि आप इस तरह से वीडियो मेरी जो आ रही है वो सब वीडियो आप देख सकते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों चलता हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नया लेकर आता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद, शब्बा खैर, ओके दोस्तों, बाय।